दोस्तों, हम शेर और चूहे की कहानी बनाना सीखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी कहानी देखते हैं। एक जंगल में एक शेर सो रहा था और तभी वहां से एक चूहा जा रहा था। चूहा जैसे ही शेर के निकट पहुंचता है, चूहे का पैर फिसल जाता है और चूहा शेर पर गिर जाता है। ए चूहे, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए शेर महाराज, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा और जरूरत पड़ी तो आपकी सहायता भी करूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तेरी सहायता की मुझे कोई जरूरत नहीं। चूहा वहां से चला जाता है और शेर फिर से सो जाता है। कुछ दिनों बाद एक शिकारी की जाल में शेर फंस जाता है और निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन जाल से निकल नहीं पाता। तभी वहां पर वही चूहा पहुंच जाता है और शेर की सहायता करने लगता है, जाल काटने लगता है और शेर को शिकारी की जाल से मुक्त कर देता है। शेर चूहे को धन्यवाद देता है और दोनों में दोस्ती भी हो जाती है। तो दोस्तों, आप भी इस तरह से कहानी बना सकते हैं। मैंने आपको एक कहानी का छोटा सा एग्जाम्पल दिया। आपको बड़ी कहानी बनानी है और अच्छे से बनानी है, और जो भी मैंने कहानी में एनिमेशन यूज़ किया शेर और चूहे का, उसके अलग अलग पोज वाला ग्रीन स्क्रीन वीडियो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और मैंने शेर का भी करेक्टर बना लिया है, तो उसका भी आपको ग्रीन स्क्रीन में वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों, हम आ चुके हैं काइन मास्टर में। जंगल का एक बैकग्राउंड लिया है, शेर और चूहे का ग्रीन स्क्रीन में करेक्टर लिया है और इस तरह से की फ्रेम को ऐड किया है, और कहानी की पहली क्लिप इस तरह से मैंने बनाई है। ग्रीन स्क्रीन में मैंने इस तरह से कैसे किया उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, और बाकी बचा हुआ एडिटिंग तो आप जानते ही होंगे। तो अब हम जाल वाला एनिमेशन और कहानी का नेक्स्ट पार्ट बनाना सीखेंगे। तो इसको हम बैक कर देते हैं और एक बैकग्राउंड ले लिया है और शेर को भी यहाँ पर लेटा दिया है और ऐसा एनिमेशन करेंगे। तो इसको मैंने एडिटिंग करके बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों, हम लेयर में जाएंगे और वहाँ से जाएंगे हम मीडिया में, और वहाँ से दोस्तों हम एक जाल का पीएनजी या फिर फोटो लेकर आएंगे। फिर हमें जाना है ब्लेंडिंग में और यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, और फिर हम इसकी साइज बड़ी कर देंगे और यहाँ पर हम सेट कर देंगे इस तरह से। फिर हम इसकी लेंथ बढ़ा लेंगे और फिर हम प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा, लेकिन जाल हिलने का एनिमेशन नहीं होगा। तो हम की फ्रेम पर क्लिक कर देंगे और की फ्रेम को ऐड करेंगे। पहले हम इस तरह से की फ्रेम ऐड कर देंगे प्लस पर क्लिक करके, और फिर जब शेर ऊपर जाए तब जाल को हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, और जैसे ही शेर नीचे गिर जाए तब हम जाल को थोड़ा सा नीचे लेंगे। तो इस तरह से हम जाल को ऊपर नीचे करके की फ्रेम ऐड कर देंगे। लेयर पर भी आपको ध्यान रखना है कि हम किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में हम जान पाए। इस तरह से की फ्रेम को ऐड करने के बाद हम प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा। और फिर दोस्तों, हम लेयर में जाकर मीडिया में जाकर चूहे का भी ग्रीन स्क्रीन में चलने वाला एनिमेशन लेकर आएंगे और इसको हम क्रॉप कर देंगे, क्रोमा की में जाकर एनेबल कर देंगे, और फिर हम चूहे की साइज बड़ी कर देंगे, और चूहे की साइज बड़ी करके हम चूहे को एक साइड पर लेकर जाएंगे और फिर हम की फ्रेम को ऐड करेंगे। तो अब हम चूहे को एक साइड पर लेकर जाएंगे इस तरह से, और फिर हम की फ्रेम पर क्लिक कर देंगे और इस तरह से हम लेयर को कर देंगे, और फिर हम चूहे को यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, और फिर हम प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर से लेयर में जाएंगे और वहां से मीडिया में जाएंगे और ऐसा आएगा ग्रीन स्क्रीन में चूहे का कैरेक्टर लेकर आएंगे और फिर हम इसको क्रॉपिंग में जाकर क्रॉप कर देंगे और क्रोमा की में जाकर एनेबल कर देंगे, यानी कि इसका ग्रीन बैकग्राउंड हटा देंगे और फिर हम इसको जाल के पास सेट कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि जाल काट रहा हो लेकिन इसके हाथों का ही एनिमेशन होगा। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर दिया है, प्ले करेंगे तो ऐसा एनिमेशन होगा।